हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से रह रहे होंगे, सब आराम से खुश रहे होंगे। कोरोना का मैंने सुना नया व्यवहार है, तो प्लीज़ सब लोग मास्क लगाए रहें, अपना ध्यान रखिए। तो मैं आपके लिए आज फिर से एक और ऐसा ही गेम प्ले वीडियो लेके जिसमें उतरा आराम से यहाँ पे जॉर्जिया सिटी, और जॉर्जिया सिटी उतरते साथ मेरा एक बंदा हो गया डेड, क्योंकि बेचारे की किस्मत खराब हो, वहीं उतरा जहाँ बंदे थे। तो भाई मैं आराम से यहाँ आया अंदर, मैंने अपना गन वन लूटा। अब भाई मेरे को फुटस्टेप आती के आसपास एक बंदा है, मतलब बगल वाले अपार्टमेंट में हो सकता है, या तो नीचे हो सकता है, तो ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देयर इज पॉसिबल, मतलब देयर इज मैनी पॉसिबिलिटीज। अब मैं यहाँ जैसे ही आया, मेरे को फुटस्टेप आने लगा कि बंदा मेरे से एक फ्लोर ऊपर है या एक फ्लोर नीचे है। सेम फ्लोर पे होता है, सेम लेवल पे, तो अच्छा साउंड आता है। अब देखिए नीचे आपको बंदा दिखा, मेरे को भी दिखा, मेरे को बंदा दिखा, आपको बंदा दिखा, तो बचेगा कैसे? जैसे वो कूद रहा था मैंने उसको मार दिया। भाई मैं यहाँ आया तो बगल वाले अपार्टमेंट के बंदे मेरे पे रश कर दिए। भाई कौन सा स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वैसा ये आदमी घुस रहा था आराम से, पूरा एंगल वैंगल लेके क्राउच करके। अब भाई मैंने देखा कि सामने वाला रूम में बंदा है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक नेट खींचा। मैं सोचा चलो मारते हैं नेट, पर मेरा किस्मत खराब, नेट फेंका, बंदा भाग गया, नेट दीवार से टकरा के वापस आ गया, मतलब बंदा जिंदा बच गया इन शॉर्ट। अब भाई मैं आया तो मेरे को और फुटस्टेप आने लगे कि आसपास और बंदे। एक से ये सामने वाला अपार्टमेंट में था, कुछ लोग पीछे वाले अपार्टमेंट में थे, सामने से भी फायर हो रहा था, पीछे से भी फायर हो रहा था। अब सामने मैं सोचा कि चलो देखते हैं, एकेएम है, M4 है, जैसा होगा मारा जाएगा। और भाई यहाँ मैंने जो 1v3 किया आराम से, इजी, सबसे इजी 1v3 होगा मेरे लाइफ का। भाई यहाँ पे मैं आया आराम से रेंगते रेंगते, वो देखिए आपको खिड़की में छोटा सा बंदा दिखा होगा। अब मेरे पास थी एक मोलोटॉप, और मैं सोचा चलो देखते हैं मोलोटॉप इनको थोड़ा आग का स्वाद चखा जाए, क्योंकि सिवा आग से नहीं जलते ये लोग, तो जलते हैं। आप बस नीचे नॉक देखिएगा, 2 नॉक हुआ मेरा मौली से, 1 नॉक किया मैंने M4 से, और 2 की पेटी डल गई मौली से। अब भाई एक बंदा यहाँ नॉक था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा छोड़ो रिवाइव हो जाएगा, एक और किल एक्स्ट्रा मिलेगा, पर उसका कोई टीममेट यहाँ था नहीं असल में। अब मैं जैसे ही यहाँ आने लगा, जोन आ गया था, और मुझे मालूम था कि अभी जो और बंदे हैं, मैंने सोचा चलो और एक आध किल उठा लेते हैं, ज़्यादा किल होगा ज़्यादा अच्छा गेम प्ले होगा, आप लोग मेरे को प्रो समझेंगे, फिर मेरे को लाइक करेंगे, मेरे को वायरल करिएगा। फिर उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी निकालूंगा अपनी मस्त वाली, पीले कलर की नहीं तो ऑरेंज कलर की, जो भी है। तो भाई अब मैं आ गया यहाँ पे, अब सामने से फायर हुआ था बंदा, तो मेरे को मालूम था बंदे तो हैं, बंदे तो हैं, और यहाँ मेरे को मेरा 5वां किल मिल गया उस फ्लैट अपार्टमेंट से। अब भाई जैसे ही मैं ऊपर आया, मेरे को अब सामने वाला बंदा वॉच टावर के पास से फायर किया, तो मैंने सोचा चलो दिखाते हैं इसको थोड़ी अपनी M4 की गोलियाँ। अब जैसे ही हुआ आराम से मैं यहाँ पर रुका रखा, चलो आएगा मारेंगे, आएगा मारेंगे। भाई बंदा लिटरली 1-2 HP का होगा। अब भाई मैंने सोचा चलो मार देंगे, पर नहीं, मेरी किस्मत में वो किल था नहीं असल में। तो मैंने यहाँ से किया कि चलो, अब भाई बंदा आ गया मेरे सामने, मैं बंदे के सामने, दोनों आमने सामने आ गए। अब भाई वो फायर कर रहा है, मैं फायर नहीं कर रहा, कभी मैं जैसे छोटे फायर करूँगा। भाई लिटरली मैं एक गोली में मरा हूँ। भाई ये क्या बात हुई, मैं एक गोली में मरा, अच्छी। अब भाई मैं वापस रिकॉल हुआ, मैंने वो जो स्क्रैप चाम मिलता है वो मिला, फिर आ गए हम लोग यहाँ कोचिंग की में। कोचिंग की डबल ऊजी साउंड पड़ी, एक एम उठाई मैंने, क्योंकि एक एम इज फार बेटर देन ऊजी। यहाँ मेरे को 5.56 की थोड़ी एमओ मिल गई, मेरे को M4 चाहिए थी, मैंने एमओ उठा ली, क्योंकि भाई एमओ सेफ और लाइफ। अब भाई सामने वाले घर में आपने देखा होगा कि बंदा घुसा, मैंने सोचा ठीक है बंदा ही तो है, बॉट होगा। पर जैसे ही मैंने देखा ये था असली बंदा, ये गया मेरे टीममेट को मारने। माना मैंने यहाँ हगा, कोई नहीं बोलेगा मैं हग रहा था, मैं यहाँ आराम से उससे बचा। अब भाई ये वाला मोड में मेरा गेम बहुत लग करता है हद से। मैंने यहाँ अपनी AKM रिलोड की, मैंने सोचा क्लोज करने में क्यों रिस्क लेना M4 का, जब AKM है, एक हेडशॉट बंदा मर जाएगा। गोली चले जब तक पेटी ना बने तब तक, या जो भी है, मैंने पेटी बनाई। अब आ गए वहाँ पर, मैंने अपने टीममेट को रिकॉल दिया, रिवाइव दिया। अब मैं आ गया यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, क्योंकि अपार्टमेंट में था 1-2 बंदा, मतलब यहाँ 3 बंदे थे। अब भाई बंदे यहाँ पे नेड मौली करने लगे, नेड किया उसने एक दूसरे को, मतलब नेड करने लगे, फायर करने लगे। फुटस्टेप आते कि 1-2 बंदा कूद भी था इधर से, अब एक बंदा कूद गया था शायद। अब भाई यहाँ मैंने यहाँ मेरा एक किल चोरी हुआ, मेरे को एक ही किल मेरे टीममेट ने एक की पेटी डाल दी। अब भाई मैं बाहर कूदा, अब मैंने देख रहा था कि भाई बंदे हैं किधर, तब तक मेरा एक टीममेट नेट से भर गया। अब भाई यह बंदा आया सामने, उसने मेरे टीममेट ने तो पेटी डाल दी, पर मैंने भी उसको पीछा डालने दिया। भाई मैं यहाँ से भागी, मैं सोचा छोड़ो भाई मजाक नहीं, रिस्क नहीं लेने का। भाई जैसे ही मैं इधर आया, अब मैं यहाँ आ गया, मेरे को फिर से यहाँ पे M4 मिल गई, थोड़ी सी गोली उठाई, क्योंकि बिन गोली के तो मार नहीं सकता M4 का, भले ही मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया कुछ भी। अब भाई मैं आ गया TPP लेने, TPP। अब भाई मैं देख रहा था कि काफ़ी देर रुका, अब देखिए सामने खिड़की पे आपको एक बंदर दिखेगा, एक बंदा नीचे कूदा, फुटसर भी आ गया थंडर मैन से। पक्का ये गेट के पास होगा तो मैं भी चलता हूँ। और इसको घंटा नहीं मालूम मैं यहीं पे था, बेचारा एक एचपी बच गया मुझसे। भाई जैसे ही मैं इसको मारने गया, इसका टीममेट ने इसी को मौली से मार दिया, बेचारा वहीं पे मर गया। मेरी हेल्थ कम हो गई, मैं यहाँ पे हेल्थ रिकवर करने गया था तब तक मेरा टीममेट को उसने मार दिया, मतलब मार क्या दिया, नॉक कर दिया। अब भाई पेटी भी डाल देते हैं, मैंने सोचा चलो एक एम रिलोड कर लेते हैं, उक्का से अगर क्लच हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अरे फिर भी जो भी है, उसने मेरे टीममेट की पेटी डाल दी, मैं अंदर गया। भाई मैंने यहाँ गेट खोल दिया, वो मेरे ठीक पीछे है। देखिए सीढ़ी के पास का बंदा, अब भाई मेरे को पता नहीं था सीढ़ी के पास वो बंदा, सोचा वो आया यहाँ पे नेड ये मौली कर रहा है। भाई हम पे नेट मौली थोड़ी कर पाओगे तुम। अब भाई मैंने इसको मारा, यहाँ से मैंने इसका किल कंफर्म किया। भाई यहाँ से मैंने लूट उठ करके मैं यहाँ निकल गया अपना जोन के अंदर। अब भाई जोन में सामने कहीं पे एक स्नाइपर था जो सांप बन के लोगों को टैप टैप हेडशॉट मार रहा था पट से। अब मैंने सोचा ठीक है, भाई सामने से एक यूएस घूम रही है, उसने एक स्नाइपर का शॉट मेरे को कनेक्ट किया। भाई यहाँ मेरी हेल्थ ही नहीं लग रही थी। अब मैंने जैसे ही हेल्थ लगाई, वो यूएस वाले वहाँ पीछे फाइट लेने लगे। अब भाई मेरे को लगा वो लोग मेरे को नहीं देखेंगे, पर मेरी किस्मत खराब, उन लोगों ने मुझे स्पॉट कर चुका था, कर लिए थे वो लोग मेरे को स्पॉट। भाई वो लोग मेरे को जैसे ही मालूम कि अब तो फाइट हुई, क्योंकि वो लोग आगे आके रुक गए। भाई मैंने सोचा ठीक है, भाई मरते हुए भी बहुत गोली मारी मैंने उसको। अब फिर से आ गए हम लोग कोचिंग की, ये दूसरा मैच है, नाइट मैच खोलने दिया तो मैं 3-4 मैच दिखाता हूँ। यहाँ मैंने चालाकी से अपने टीममेट का किल चुराया। अब भाई हम लोग यहाँ से कोचिंग से निकले। अब जैसे ही यहाँ आ गए, यहाँ पे गन फायर हुआ, और हम समझ गए यहाँ है तो बहुत सारे बंदे। अब भाई मैं हम लोग सब लोग उतर गए, चारों के चारों उतर गए। भाई मेरे पास M4 एक है, मस्त सेक्सी कॉम्बो डू क्या बोलते हैं, है यार वर्ड्स भूल जाता हूँ मैं। अब भाई मैं जैसे सामने का बंदा मेरे को स्पॉट हुआ, यहाँ नॉक हो गया, मेरे को मालूम था नॉक कंफर्म हो ही जाएगा कैसे भी। अब भाई यहाँ देखना मेरा किल कैसे चोरी होता है। सामने बंदा, उसको डैमेज देखा, भाई इतना हेडशॉट मारा मैंने उसको, इतना हेडशॉट मारा, पता नहीं वो कैसे नहीं मरा। मेरे टीममेट ने उसको मार दिया, मेरा यहाँ किल चोरी हो गया। मैं यहाँ हेल्प चिल्ला कर रहा। अब भाई मैं यहाँ से रिवाइव हो गया। अब भाई मैं यहाँ पे आया, मेरे को फुटस्टेप आया, मैं सोचा कहाँ है बंदा। अब देखिए सामने कौन दिख रहा है मेरे को, एक सांप। भाई भारत से मैंने देसी दारू हटा दी, देसी दारू, बंदे का नाम था देसी दारू। अब भाई मैंने इसको आराम से मार दिया। अब हम लोग यहाँ से आ गए, ये जो मंदिर रहता है इसके पास थे बंदे, ये देखिए सामने से बंदा गया। अब भाई मेरा टीममेट यहाँ रोका नहीं, पर सामने भी बंद। भाई जो बोलो 3-4 वीडियो में मैंने जो गाड़ी से मारे बंदे, जो गाड़ी से मारे। अब भाई हम लोग क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए, क्योंकि भाई हम लोग पास कवर के नाम पे कुछ नहीं। हमारा टीममेट यहाँ पे नॉक पे नॉक और पीछे से आ जाता है बॉट्स। अब भाई सामने वाली 2 RP का हेल्थ पूरा डाउन था। अब भाई वो लोग चाहते, अब मेरा टीममेट गया एक बॉट मारने, टीममेट को मार दिया गया पीछे, जो वहाँ मंदिर के पास बंदे थे। अब भाई यहाँ यह बॉट, अब मैंने सोचा भाई 2 RP ना फूट जाए, दोनों मर जाएंगे 2 RP फूटी तो। अब भाई जैसे ही मैंने इसको किया, यहाँ पे एक किल उठा लिया मैंने फ्री फोकट का। अब भाई अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकले कैसे। रेड जोन था, एक और बॉट आया था, मतलब एक और बॉट था ही। मैंने बॉट को मार कर मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया अपना, गाड़ी तो अपनी डासिया पे, और यहाँ से हम लोग निकल गए अपने टीममेट को रिवाइव देने। अब भाई जैसे रिवाइव देने गया, मेरा एक टीममेट तो पहले ही गाड़ी में आके बैठ गया कि चलो भाई लूट करना है मेरे को, लूट अपनी पेटी लूटूंगा मैं जाके वापस। तो मैं आया यहाँ पे गाड़ी बैठा, वहाँ जो रिकॉर्ड होकर बंदा आता है वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया था AFK। अब पता नहीं उसका नेट हक दिया कि क्या, मेरे को बंदा दिखा, मेरे टीममेट को भी दिखा, टीममेट उतरा मारने के लिए। भाई हमसे तुम ना किल चुरा पाओगे, अब नहीं किल चोरी होने देता अपना। तो मैं जोन के बाहर जाके मार गया कैसे भी करके। जोन के बाहर ही हम लोग फाइट हुए, तो लास्ट जोन तक बचे थे। #2 आया उस मैच में, जो भी फिर आ गए हम लोग यहाँ यसनाया पोलियाना। अब यहाँ भी सामने बंदे उतरे थे, सामने वाला जो अपार्टमेंट टाइप है यहाँ बंदा था। अब मैंने सोचा ठीक है देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कितना, क्योंकि बहुत बंदे थे, एक अपार्टमेंट में 3 बंदे थे, एक में एक बंदा था, मतलब 1v4 का सिचुएशन था, मैंने जिसमें 1v3 कर दिया आराम से। लास्ट बंदा हक दिया मैंने थोड़ा, क्योंकि भाई मैं मूव नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसे TDM खेलूंगा तो बहुत मूव करता हूँ मैं गेम खेलते, पर सामने बंदा आ जाता मूव नहीं करता। भाई मैं सोचा ये बस गलती करे। मेरा टीममेट जैसे ही नीचे कूदा, इसने अपने मुंडे दिखा दिया। भाई मैंने मौके का फायदा उठा के हेडशॉट उसको नॉक कर दिया। अब भाई हम लोग यहाँ से निकल गए आराम से, दौड़ के जल्दी से जल्दी फास्ट फुल स्पीड में हम लोग गए। यहाँ पे देखे अब सामने वाला अपार्टमेंट में भी बंदे थे। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि भाई गोली चल रही थी, जाहिर सी बात पता ही होगा। मैं मैच खेल रहा था, आप लोग थोड़ी खेल रहे थे, आपको नहीं मालूम होगा। भाई यहाँ के अपनी M4 थोड़ी स्विच किया, थोड़ी एमओ बढ़ाया। अब भाई यहाँ मेरी स्पॉटिंग देखी और एक स्प्रे देखी। भाई सामने बंदा, भाई ऐसा स्प्रे देख के दिल खुश हो गया मेरा। घुस नहीं बोलूंगा, गजब का दिल खुश हो भाई, ये बंदा मार गया भाई। उसका टीममेट आ गया उधर, आप देख सकते हो सीढ़ी के पास वाला एरिया होता है, वहाँ पे उसका टीममेट आपको दिखेगा दो गो। अब भाई वो लोग आया, मेरे को डैमेज दिया, मैं नीचे आया, कवर कर लिया, हेल्थ रिकवर किया। भाई मेरा टीममेट यार को सामने बंदा, तो उससे फाइट लेने की कोशिश चलते भाई। मैं आजकल देख रहा हूँ आप लोग मेरी वीडियो को देखते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लोगों तक पहुँच नहीं रही है मेरी वीडियो। मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। आपका एक व्यू मेरे वीडियो को 5 लोगों तक पहुँचा सकता है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अब भाई मैं यहाँ पे टीपी पे ले रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले अपार्टमेंट में भी फुटस्टेप आते हो भाई। यहाँ सप्रेस करके कोई टैप टैप गन चला रहा था कोई सी, तो मुझे लगा भाई बॉट्स के पास तो सप्रेसर वाली गन होती नहीं है। अब जैसे ही आया ये बॉट, मैंने इसको मारा पेटी डाली। अब मैंने यहाँ गेट बंद किया कि कोई मत आओ, डू नॉट डिस्टर्ब। तब तक मेरा टीममेट आ गया मेरे को डिस्टर्ब करने, मैंने फिर से जाकर गेट बंद कर दिया। अब भाई हम लोग यहाँ टीपीपी लेने लगे, तब तक मेरा टीममेट सामने वाला एनिमी से नॉक हो गया। भाई ऐसे में बहुत गुस्सा आता है, जब भी आप सालों थोड़ी सी मेहनत करके रश रोकने चाहो और आपका टीममेट जाके नॉक हो जाए। मैंने यहाँ स्मोक किया, पहले से रिवाइव करने के लिए स्मोक यूज़ नहीं करता था, और अब मैं करता हूँ। मैंने इसको रिवाइव दिया। भाई मैं फुटस्टेप सुन रहा हूँ कि बंदे तो हमारे पास आ रहे हैं अब, क्योंकि भाई वो लोग कूद रहे हैं, नेट कर रहे हैं। भाई यहाँ तो मैंने अपने टीममेट को बचा लिया, मैं आ गया इस कोने में। भाई मेरा टीममेट फिर से फट गया, गजब हाल है। और इस बार मैं रुका रहा कि आ भाई आ, इस बार हुआ। भाई सामने वाला बंदा इतना गधा, आप देखिएगा उसने एनिमी नॉक किया, पर वो इस तरफ एक बार भी नहीं है, सामने जाके टीपीपी ले रहा है, जिस रूम में हम लोग है भी नहीं। भाई मेरे को सब दिख रहा है। मैंने सोचा ठीक है चलो टीममेट को रिवाइव दे देते हैं पहले। मैंने सोचा चलो थोड़ा दिमाग का खेल खेलते हैं, तो मैंने यहाँ नीचे कूद गया आराम से। यहाँ पे मेरा आइडिया ये था कि मैं लटक के नीचे आ जाऊँगा और फिर मैं सीढ़ी से ऊपर जाकर पीछे से धप्पा कर दूंगा। मेरे को मालूम था लोग सीढ़ी के पास टीपीपी लेंगे, सामने बंदा। इसमें मैं इसलिए मरा क्योंकि ये बंदा मेरे को मार दिया, मैं यहाँ मूवमेंट नहीं किया। भाई जैसे ही मैं मरा, मैं लिख रहा था भाई एक बंदा है, तब तक मेरे को मेरा किल कंफर्म हो गया। उसने मेरा टीममेट ने मेरा किल कंफर्म कर दिया, पर वो खुद भी मर गया। फिर मैं वापस उतरा यहाँ पे, फिर मैं वहीं पे यसना है उतरा, गाड़ी लेके हम लोग आ गए यहाँ कोचिंग के। भाई मेरे को फुटस्टेप आते कि बंदा, यहाँ मेरा डिवाइस इतना लैग करने लगा अचानक से, फ्रेम ड्रॉप्स, कि मैं क्या बताऊँ, और मैं यहाँ मर जाता हूँ। फिर जो भी आज आप लोग मेरे वहाँ देख लेंगे, मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी वीडियो में। आज देख लो मेरी बहुत। हवा नू चीरदा जावे लगे बाज दी झुंझ हर हथ नी।